एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एमपीटेट की। आप लोग सोच रहे होंगे कि सीटेट जस्ट निपटा ही है और हम एमपीटेट की बात करने लगे, तो ये बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि जिन लोगों ने अगर सीटेट और एमपीटेट दोनों के अगर फॉर्म फिल किए हैं, तो एक एग्जाम तो कंडक्ट हो चुका है, अब बचा है केवल एक एग्जाम विच इज एमपीटेट। तो अब हमें पूरा फोकस किस तरफ लगाना होगा, अपने एमपीटेट की तरफ लगाना होगा। तो इस वजह से ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किस तरीके से एमपीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि एमपीटेट की जो डेट है वो हर बार पोस्टपोन हो जाती है। तो यही मानना है कि भाई, जब तक इसके एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हो जाते, हम एमपीटेट की डेट को रियल नहीं मान सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एमपीटेट की डेट नहीं आ रही है तो हम इसको पढ़ना ही बंद कर दें, ऐसा नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, एमपीटेट के लिए मैंने आपको एक 60 डेज की स्ट्रेटेजी बताई थी। जब इसकी डेट जनवरी में आने वाली थी, तब मैंने आपको नवंबर और दिसंबर दो महीने 60 डेज की स्ट्रेटेजी शेयर की करी थी, और ये बहुत से लोगों ने इसको पसंद भी किया है। लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस वीडियो को बहुत से लोगों ने पसंद करा, और अब मैं ये चाहती हूँ कि अब हम ऐसा करें, अब हमें डेट तो अभी पता नहीं है एमपीटेट की, तो इसको हम अपने दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि फर्स्ट 30 डेज में हम क्या करने वाले हैं, फिर आगे पता चल जाएगा कि हाँ अभी और डेट नहीं आ रही है, फिर नेक्स्ट 30 डेज में क्या करने वाले हैं, और अगर डेट आ जाती है तब तक अनुमानित अप्रैल में अगर आ जाती है, तो जितने भी रिमेनिंग डेज रहेंगे उसमें हम केवल रिवीजन करने वाले हैं, ना कि हमें कुछ पढ़ना रहेगा। हम इन 60 डेज में ही अपना ये जो सब कुछ कवर अप है वो इन्हीं 60 डेज में कर लेंगे। हो सकता है जिन लोगों ने ये 60 डेज वाली वीडियो देखी हो उस टाइम उन लोगों ने प्रिपरेशन की हो, लेकिन जब ये जो जनवरी में एग्जाम होने वाला था वो जब पोस्टपोन हुआ तो लोगों ने प्रिपरेशन, हो सकता है कि बंद कर दी हो, उन्होंने सोचा है जब एडमिट कार्ड आएगा या जब इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी हम अपनी प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है गाइज, अगर आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो केवल डेट आने से, थोड़े ही दिन पहले पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसकी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो एटलीस्ट मैं ये मानती हूँ 60-90 डेज तो आपको किसी भी तैयारी के लिए लग ही जाते हैं, अगर इतने डेज है विच इज सफिशियंट। तो अब हम इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं कि हम स्टार्टिंग के 30 दिनों में क्या करेंगे। जब हम 30 दिन की जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, अगर हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ मैं वीडियोस भी लाऊंगी इस बीच बीच में और ऐसे ही सेशंस लेती रहूंगी, एक तरीके से कह सकते हैं कि मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आना जरूरी रहेगा, मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है एग्जाम के टाइम में। तो इस तरीके से कुछ वीडियोस आएंगी जिसमें से आपको ये पता चलेगा कि आप इतना पोर्शन कवर कर चुके हो, इतना बचा है, कैसे करना है और इतने कम दिनों में कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर टारगेट लिया जा रहा है 30 डेज का, ठीक। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पर ये है कि 90 मार्क्स की तो आनी है आपकी क्या पेडागोजी, मतलब बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो आना है वो 90 मार्क्स का आना है। अब ये 90 मार्क्स का कैसे आना है, अगर आप लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, और जो लोग अगर नए जुड़े हैं तो मैं उनको बता देती हूँ कि जो CDP है वो आता है 30 मार्क्स का, बाकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज वन में 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 की पेडागोजी, तो ये लैंग्वेज वन और टू के लिए है। फिर आती है EBS और मैथ्स, इसमें भी 15-15 नंबर का, 15-15 नंबर की पेडागोजी। तो ये हो गए हमारे कितने 90 मार्क्स, ठीक। यहां तक अगर बात समझ आ गई है तो अब हम इसको आगे जारी रखना चाहेंगे कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ थोड़ा सा समझने वाली है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगी कि मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेकर इसको जल्दी से कवर करूं कि हम कैसे 30 दिनों में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, CDP में आप जिस किसी बुक से पढ़ रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो बेस्ट बुक्स फॉर एमपीटेट मैंने सजेस्ट की है और उसको भी काफी लोगों ने पसंद किया है, तो मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक दे दूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई सी भी बुक है तो सबसे पहले तो आप उसकी थ्योरी कवर कीजिए। इन 30 दिनों में आपको केवल और केवल थ्योरी कवर करनी है, प्याजे, बायगोत्स्की, कोलबर्ग, एरिक्सन, हॉवर्ड गार्डनर, यहां तक कि आज जो हमारा सीटेट का पेपर हुआ था ना कल 31st को, उसमें भी मेरे जो 20 सेशंस है ना, केवल 20 सेशंस जो मैंने लिए हैं अपने CDP के, उसमें से 20 से 22 नंबर का फंस गया था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 20 सेशंस लिए हैं जिसमें से अगर इतना फंस गया है, तो अगर आप लोग खुद की मेहनत से थ्योरीज वगैरह करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और अभी तो हमें डेट भी नहीं पता है, तो हम अब लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो हम इतना सारा कवर कर लेंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा। तो CDP जो CTET से हुई थी वो बहुत सारे क्वेश्चंस तो एज इट इज पूछे गए हैं,
और अगर आप लोग बिल्कुल थ्योरी सेशंस आपने अच्छे से देखे होंगे तो आप 25 प्लस मार्क्स तो इजीली ला सकते हैं। तो यहां पर हो गई थ्योरी वाली बात। थ्योरी में इंक्लूसिव एजुकेशन है, आरटीई एक्ट है, हॉबर्ट गार्डनर की थ्योरी है, उसके बाद एरिक्सन, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये सब थ्योरी आप लोगों को कंप्लीट करनी है इन 30 डेज में। मैं आपको फिर धीरे धीरे बताऊंगी कि कब हमें कितने कितने एमसीक्यूज करने हैं, कैसे क्या करने हैं, लेकिन पहले आप स्टार्टिंग की 30 दिनों पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर ये पता चलेगा कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सीटेट का भी जिन्होंने पेपर दिया होगा तो उनकी तो ऑटोमेटिक एमपीटेट की प्रिपरेशन हो ही रही है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सीटेट में आपका आता है कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और एमपीटेट में फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एमपीटेट में फैक्चुअल पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे इसके जनक कौन है, ये क्या है, ये कहां से बिलोंग करते हैं, इवन यहां तक की क्वेश्चन आया है कि जो वाइगोत्स्की है वो कहां से बिलोंग करते हैं। तो मतलब इस तरीके से फैक्चुअल चीजें आ रही हैं, हम कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे क्लियर कर लेते हैं कि हाँ ये थ्योरी इसके द्वारा दी गई, ये नाम हो गया, ये सब हो गया, और हम उनको ये भूल जाते हैं कि वो कहां से बिलोंग करते हैं। उनका एक्सपेरिमेंट याद रहेगा कि उन्होंने जैसे पेब्लॉक का है तो उन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया, ये तो याद रहेगा, बट 1904 में उनको नोबेल प्राइज मिला, ये हमें चीजें बहुत कम पता होती है। तो एमपीटेट जो है वो फैक्चुअल चीजों पर बहुत ज्यादा जोर देता है, मतलब सीटेट से बहुत ज्यादा अलग हो जाता है एमपीटेट का सिलेबस और एमपीटेट का पेपर। तो अब आपको दोनों चीजें मिक्स नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सीटेट का तो पेपर हो चुका है, विच इज वेरी गुड थिंग। अब आपको केवल एक ही एग्जाम पर फोकस करना है। तो यहां तक की बात अगर क्लियर हो गई हो कि भाई सीटेट और एमपीटेट जो है वो अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करना है कि भाई हमने तो सीटेट में प्रिपरेशन की थी, हमारे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो यहां जो सीटेट का जो पेपर 31 को आया है ना, मैक्सिमम लोग 27 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे, 27 प्लस, बहुत लोगों के तो 30 भी आएंगे पर 27 प्लस 25 प्लस वाले तो बहुत सारे लोग होंगे। क्योंकि पेपर का आप खुद एनालिसिस कीजिएगा, बहुत अच्छा पेपर आया था, बहुत ज्यादा टफ नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कहेंगे, बट हाँ मॉडरेट लेवल था, बहुत अच्छा था पेपर। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा लड्डू टाइप थे बट कुछ क्वेश्चन अच्छे मॉडरेट लेवल के थे, हायर लेवल हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा हाई और अपर लेवल का आया था, बहुत अच्छा पेपर था। चलिए ये बात हो गई। अब हमारा ये सीडीपी वाला पार्ट जो है वो हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है, चाहे आप चाहें तो सीडीपी फुल कोर्स में अनुभव स्टडी फैक्ट्स मैंने बना रखा है, देखना चाहे तो वो देख सकते हैं, जो भी बुक पढ़ना चाहे, चाहे एनसीईआरटी की पढ़ना चाहे, 11th 12th एनसीईआरटी की, चाहे कोई भी बुक जो आपके पास है या जो आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद ईवीएस, ईवीएस में एनसीईआरटी कवर अप करना चाहते हैं या जो बुक आपके पास है उससे पढ़ना चाहते हैं, या जो बुक मैंने बेस्ट बुक्स फॉर एमपीटेट में सजेस्ट की थी उससे पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। 3 से 4 सेशंस मैंने ईवीएस पर ले रखे हैं, उस पर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है मुझे। तो मैं सोचूंगी अब ईवीएस पर कुछ बुलेट पॉइंट्स टाइप आते हैं ना, जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर रखे, उनकी अब एक वीडियो बनाऊंगी, तो वो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आगे और ज्यादा वीडियोस लेकर आऊंगी ईवीएस में बुलेट पॉइंट्स पर, मतलब इस तरीके से वन लीनियर, बिल्कुल ये इसका आंसर है तो है, बस फैक्चुअल चीजें हैं यहां पर हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये कम से कम ईवीएस में आप अपनी एनसीईआरटी कवर कीजिए, जो भी आपके पास और अदर बुक है, कोई भी स्टेट की है तो एससीईआरटी जो ईवीएस की है वो अगर करना चाहे कवर तो वो कर सकते हैं। क्वेश्चंस लगाना चाहे प्रीवियस ईयर के, चाहे सीटेट के हो, चाहे यूपीटेट के हो, क्योंकि यूपीटेट में 30 मार्क्स का कवरेज आता है ईवीएस का। तो ऐसा नहीं है कि यूपीटेट है तो केवल यूपीटेट में ही पूछा जाएगा या सीटेट का पेपर है तो सीटेट में ही पूछा जाएगा, ऐसा भी हो जाता है कि एज इट इज क्वेश्चन आपको यूपीटेट में जो पूछा गया वो आपको एमपीटेट में पूछने या देखने को मिल जाए। आप यकीन मानेंगे गाइस, यूपीटेट में एज इट इज उत्तराखंड का जो यूकीटेट होता है ना, एज इट इज पूछ लिया गया था यूपीटेट में उत्तराखंड का, मतलब मुझे ईयर याद नहीं है कंफर्म, बिल्कुल एज इट इज, मतलब बस नंबरिंग चेंज कर दी थी किसी किसी क्वेश्चन में कि भाई फर्स्ट ऑप्शन ये है तो सेकंड यहां पर कर दिया, और जो सेकंड ऑप्शन यूके में था वो वहां पर थर्ड नंबर पे कर दिया, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल चेंज नहीं था। 30 क्वेश्चन जो उत्तराखंड टेट में पूछे गए थे एज इट इज उन्होंने यूपी टेट में रख दिए थे, एज इट इज, यकीन मानिए ना, हो तो आप प्रीवियस ईयर खुद उठाकर देख सकते हैं। तो क्यों ना हम भी ऐसा करें कि सीटेट और यूपी टेट के जितने प्रीवियस ईयर पेपर है हम उनको लगा लें। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब भी मैं ये बात देखती हूँ ना कि आप लोग कमेंट में भी आप पूछते हैं कि मैं कौन सी बुक से पढ़ू, तो मैं कहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ो, तो आप बोलते हो कि मैम 2011 में हुआ था एमपीटेट, तो अब हम कहां से प्रीवियस ईयर लें। जरूरी नहीं कि आप एमपी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो एमपी के ही प्रीवियस ईयर लगाएं,
अदर स्टेट के भी लगा सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, गूगल पर अवेलेबल है, जहां पर भी आप पढ़ना चाहें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आंसर सुन के लेकर आऊं या उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर आऊं अलग अलग स्टेट के, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अदर स्टेट के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम एमपी के, क्योंकि एमपी में तो 7-8-9 साल पहले पेपर हुआ था, हम कहां से लाएंगे भाई, एक ही पेपर मिलेगा हमें, और वो भी आप पता नहीं कितना पैटर्न चेंज करेंगे क्या करेंगे। तो वो सब चीजें आप ईवीएस के लिए ये कर सकते हैं। 30 डेज में आपको क्या करना है, अपनी बुकैप थोड़ी सी अच्छी करनी है, जिसकी अच्छी है वो अच्छी बात है, जिसकी नहीं है तो एटलीस्ट थोड़ी सी तो अच्छी करो। 30 दिन में ज्यादा नहीं तो कम से कम 200 से 250 वर्ड्स तो न्यू सीखने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पर दो पैसे जाने हैं, 7 से 8 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, मतलब 15 नंबर का पैसे जाना है। तो वहां पर आपकी ये जो वोकैब है वही काम करेगी, क्योंकि जब तक आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता नहीं होगा, आप उसको कैसे टिक करोगे, क्या अपोजिट वर्ड बताओगे, क्या सिनोनिम बताओगे, तो आपको वोकैब अच्छी करनी है। और हिंदी में भी यही कहूंगी कि जितनी ज्यादा ग्रामर पढ़ सकते हो उतनी ज्यादा पढ़ो, एटलीस्ट हिंदी में आप ये कर सकते हो, ज्यादा नहीं तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, और वो अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब वो चीज जरूर आप कंप्लीट कर लो। और इंग्लिश में ये 250 वर्ड की वोकैबुलरी, और मैथ्स में स्टार्टिंग के 30 दिन में बोल रही हूं तो केवल 6th क्लास की एनसीईआरटी, ये 30 दिन का टारगेट है। अब चाहे आप इसे एज अ होमवर्क समझें, चाहे आप ये समझें कि थोड़ा थोड़ा अगर करते रहेंगे, अगर इतना भी कर लिया, मतलब थ्योरी अगर कंप्लीट हो गई सारी, ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लग गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 30-30 क्वेश्चन आते हैं, अगर 10 सेट पेपर भी लगा लिए तो 300 लग गए, एनसीईआरटी कर ली, या किसी भी स्टेट की, अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां की आपने बुक पढ़ ली, हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, एक शब्द, ये सब कर लिया, और लगभग 200 से 250 बुक है अच्छी खासी, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में एसएससी वगैरह में कहीं भी पूछी हो उनको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ याद कर लिया, तो इंग्लिश में ये, इंग्लिश में ग्रामर मत पढ़ना, ग्रामर पढ़ने में लग जाओगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा, ग्रामर से मुश्किल 2-3 क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ी बात कहो। अनसीन पैसेज में वो क्या करते हैं, वहां से वर्ड पकड़ के उसी का सिनोनिम, उसी का एंटोनिम ऐसे कुछ बनवा लेते हैं, और ग्रामर में 1-2 नंबर का कुछ पूछ लेंगे तो इतना तो आता ही होगा। और जब भी मुझे और टाइम मिलेगा, लगेगा कि हाँ अभी एमपीटेट नहीं आ रहा है, तब मैं आपकी ग्रामर पर कहूंगी कि अब थोड़ा सा ध्यान दे लो, बट अभी नहीं। और मैथ्स में 6th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। अब इसमें जहां पर भी आपको हेल्प चाहिए हो कि आप ये करवा दीजिए या चैनल पर ये चीज होनी चाहिए, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और मैंने एक पोल शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें मैंने ये पूछा है कि आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे उस पर वोट करके बता सकते हैं। उसमें क्या वोटिंग करनी रहती है, मुझे पता चल जाता है कि कितने लोग यस बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो यहां पर 30 दिन का ये पूरा स्ट्रक्चर शेयर किया है। थ्योरीज में याद रखना, प्याजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, एरिक्सन, पैवलोव, मतलब जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, स्किनर हो गए, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सब आपने पढ़ी होगी पहले, और नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ो, और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो सीडीपी फुल कोर्स में अनुभव स्टडी फैक्ट्स में मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं, जैसे डेवलपमेंट हो गया, हेरिडिटी हो गया, इन सबसे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ छोटे छोटे सेशन है वो ले रखे हैं, तो वहां से समझने की कोशिश करना। बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, पहले 30 दिन का टारगेट ये है, एक तरीके से इसको होमवर्क समझिए, और बीच बीच में मैं वीडियोस बनाती रहूंगी, आप लोगों के सामने लाती रहूंगी इसी तरह की और वीडियोस भी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है इस वीडियो को, जो लोग एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कह सकते हैं हम कि अब बहुत ज्यादा ऐसा टाइम नहीं हो सकता है कि अप्रैल में एग्जाम करा दिया जाए, तो अगर अप्रैल में भी कराया तो 60 डेज फिर मान सकते हैं कि भाई 60 डेज हमारे पास है। तो फर्स्ट 30 डेज का होमवर्क इस तरीके से है, नेक्स्ट 30 डेज का होमवर्क मैं बीच में 15 दिन बाद में उस 30 दिन का भी होमवर्क लेकर आऊंगी कि आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है, और आप मुझे कमेंट्स में प्लीज बताते रहिएगा कि आप लोग कितना कितना होमवर्क करते जा रहे हैं, तो उससे अच्छा लगेगा मुझे भी और आप लोगों को भी, एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जहां आप कहीं भी इनमें प्रॉब्लम आती है या वीडियोस बनाने की जरूरत है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। चलिए आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।